आज करवा चौथ है और मैं तैयार हो चुकी हूँ। मेरा पूजा पाठ भी कंप्लीट हो गया। तो ये मेरा मेहंदी देखिए, सो फ्रेंड्स मेरा थोड़ा बहुत तैयारी चल रहा है, उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखिए ये यूनिक हिसाब से मैंने मंगवाया है। ये पूजा का थाली, इसमें हम दोनों का फोटो लगा हुआ है। इसमें भी है ये छोटा सा क्यूट सा कुशन है। ये चलनी है, ये सब आप वॉश भी कर सकते हैं रिमूव करके। और ये कवर है थाली को ढकने का। सो फ्रेंड्स मैंने एकदम आज निर्जला व्रत रखा है और मैं चाहती हूँ कि सभी सुहागन ये व्रत करें। कोई भी कास्ट का हो ये कोई मैटर नहीं करता है। प्यार अगर मन से हो तो जरूर से जरूर करें, क्योंकि इससे हस्बैंड का उम्र लंबा होता है और सुहाग बना रहता है। फ्रेंड्स माता करवा का अगर निकाह हो तो सब कुछ पॉसिबल है। और मैं अभी जाऊंगी मेरी सासू माँ के लिए एक साड़ी लेने, क्योंकि करवा चौथ में सासू माँ को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है। तो थाली में जो जो चीज़ मैं सजाऊंगी ड्राई फ्रूट्स रहेगा, और उनको ज़्यादा फल वगैरह पसंद नहीं है, तो मैं इसी हिसाब से साड़ी उनको हर साल देती हूँ। तो आप साथ में रहिएगा और चलेगा, देखते हैं कैसे पसंद आता है नहीं। फ्रेंड्स अभी हम आए हैं सासू माँ के लिए कपड़ा लेने। तो ये मेरा कटरा, मतलब मेरे घर के ऊपर में ही है, मेरा कटरा के अंदर घर है। फ्रेंड्स आप लोग एक बार देख लीजिए, होलसेल मंडी है और यहाँ काफ़ी रिजनेबल प्राइस में साड़ी सब मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा दुकान जो है अंबिका सिंथेटिक इन्हीं के कटरे में है और यहाँ एक से एक फैंसी साड़ियाँ सभी मिलती हैं आपको हर रेंज की। प्लीज़ एक बार आइए और अपने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक्स। दम नहीं और कोई मेरे सामने खड़ा रहे किसी में दम नहीं है कि नहीं। यहाँ ये चीज़ भी लाया। तो फ्रेंड्स ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आया और इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा, एकदम सॉफ्ट है। तो ये मैंने पसंद किया, देखिए अच्छा है कि नहीं सासू माँ के लिए। सो फ्रेंड्स मैं अभी तैयार होने जा रही हूँ करवा चौथ के लिए। मैं गुरुद्वारा जाऊँगी, तानिया आगे ये मुझे रेडी कराने के लिए, फाइनल लुक दिखाएंगे। बस तो वेट हमारा।
और अभी हम लोग का पूजा खत्म हो चुका है, हम लोग अभी थोड़ा सा गेम वगैरह खेल रहे हैं, मुझे प्राइज मिला ये, और साथ में रहिए, देखिए काफ़ी एंजॉय हो रहा है यहाँ, सब लेडीज़ मिलकर कर रहे हैं, और मैं अपने फ्रेंड से भी इंट्रोड्यूस करवाऊँगी, साथ में रहिए। जो गुरु प्रसाद जब बहुत धूमधाम से हम मनाते हैं। पहले तो ये पंजाब में मनाया जाता था, लेकिन अब सब हर प्रांत में इसको हर राज्य में मनाया जा रहा है। बड़े ही श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ सब सुहागन बहनें उसे मनाती हैं, और गुरुद्वारा में हर साल हर सिंधी, मारवाड़ी, बंगाली, बिहारी, हर जात मिल करके, इसका पंजाबी, सब मिल करके हम लोग इसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, और माता रानी से अरदास करते हैं कि सबका सौभाग्य बना रहे। जय माता। क्या आप बोलना चाहेंगे? जी जी बोलिए। हम पायल मन ध्यानी आए हैं यहाँ पे करवा चौथ की कथा सुनने और पूजा करने के लिए। देखो अभी आद सच जुगाद सच है भी सच नानक। सो फ्रेंड्स, मैं गुरुद्वारे में हूँ और अभी करवा चौथ का पूजा करके उठी हूँ। तो हम लोग साल में एक बार सब फ्रेंड्स एक जगह होते हैं, ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, और साल में एक बार हम लोग मिलते हैं। हैप्पी करवा चौथ, प्लीज काइंडली सब्सक्राइब अंकित चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, बाय। फ्रेंड्स, अभी हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं, घर पहुँच के फिर पूजा करना है। टाइम पता नहीं कितना बज रहा है, कितना बज रहा है अभी? 7 बज चुका है, लगभग 8 बजे के करीब चांद निकल जाएगा। प्रे कीजिए कि जल्दी निकल जाए। फ्रेंड्स, अभी मैं आई हूँ गुरुद्वारा से, और आके मैं किचन में घुस गई कि मेरा कुछ गेस्ट आए हुए हैं। मासी आइए इधर, थोड़ा पूरी छाक लीजिए। तो हम और मासी मिलकर डिनर का प्रिपरेशन करें, पूरी सब्जी बना है मिठाई के साथ में। सभी हम चांद देखने के लिए छत पे आए हैं, चांद छुपा हुआ है बादल में, और सब कोई मेरे साथ आया है, देखिए।
करवा चौथ का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा लिख के। और अभी हम लोग सब डिनर करने बैठे एक साथ, और अगर ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, साथ में रहिएगा। बहुत बहुत थैंक यू, गुड नाइट।